सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर आप भी आपके लिए बजट में रहते हो एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, एंड गाइस अगर आपका बजट है यहाँ पे 45,000 रुपीस का, तो यार इस वाले वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए, बिकॉज यार इस वाले वीडियो में मैं आपको जो कि एक ऐसा पीसी बिल्ड बताऊंगा गाइस, जिसपे कि आप जो कि आराम से 1080p लेवल पे गेमिंग वीडियो एडिटिंग, एंड गाइस इवन यहाँ पे आप जो कि गेम्स को स्ट्रीम भी कर सकते हैं इस वाले पीसी पे। तो वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए, एंड गाइस चैनल पे नए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मत जाना। सो हे गाइस, दिस इज अगेन यूर वॉचिंग टेक एडमायर विद विशिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नौगजी वाला जो कि पीसी एपीयू बेस्ड यहाँ पे जो कि पीसी बिल्ड होने वाला है, तो यार इस वाले बजट में आपको जो कि एक बढ़िया सा एपीयू यहाँ पे जो कि देखने को मिलता है, जो कि यार आता है एएमडी की तरफ से राइजन 5 5600G। नौगजी वाला एपीयू जो कि अभी के टाइम में बजट गेमर्स के लिए वरदान सा है गाइज। इस वाले एपीयू में आपको जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 3.9 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आवाज़ की बेस्ट लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है गाइज। इस वाले प्रोसेसर में 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आवाज़ की बूस्ट लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। AMD की इंटीग्रेटेड यहाँ पे आवाज़ की ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं इस वाले प्रोसेसर में, जो कि यार आपको 1080p लेवल की गेमिंग आराम से करवा देते हैं। अंगस 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 ली डुअल चैनल रैम को वाला जो कि प्रोसेसर यहाँ पे जो कि सपोर्ट करता है। 65 वॉट की यहाँ पे आपको जो कि TDP के साथ वाला जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। AM4 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे आवाज़ की प्रोसेसर देखने को मिलता है। अंगस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आवाज़ की करंट टाइम में वाला जो कि प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस पे आप जो कि बिना किसी दिक्कत के आराम से 1080p लेवल की गेमिंग वीडियो एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। प्राइस के बारे में बात करूं गाइस, 24,600 रुपीज़ में आपको जो कि वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यार इसकी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि उसके चले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। नाउ इस मदरबोर्ड के बारे में बात करूं गाइस, आप जो कि Asrock की तरफ से B450MHDVR4.0 यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड का जो कि यूज़ कर सकते हैं। नौ गाइस वाला मदरबोर्ड जो कि आउट ऑफ द बॉक्स AMD के 3rd जनरेशन एंड गाइस 5th जनरेशन के जो कि प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। एंड गाइस इसमें आपको जो कि AM4 सॉकेट वाला ये वाला जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। DDR4 वाले यहाँ पे आपको जो कि रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि M.2 NVMe SSD का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि सारे पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। 3 ईयर्स की वारंटी के साथ आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है गाइस। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस 4,980 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि इसलिए मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो गाइस, आप जो कि XPG की तरफ से GAMX D30 GDDR4 वाली 8GB की यहाँ पे आप जो कि सिंगल रैम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। नौ गाइस अभी के लिए आप जो कि सिंगल रैम मॉड्यूल का यूज़ कर लेना, बाद में यार फ्यूचर में आप जो कि एक और रैम मॉड्यूल का यहाँ पे जो कि यूज़ कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आप जो कि 16GB रैम का आराम से पीसी में आप जो कि यूज़ कर सकते हैं गाइस। अभी करंटली आपको जो कि वाली रैम 3200 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि इस वाले रैम को भी परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो गाइस, आप जो कि SSD का यहाँ पे जो कि यूज़ कर सकते हैं अभी के टाइम के लिए, बाद में आप जो कि फ्यूचर में एक हार्ड डिस्क के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए आप जो कि क्रूशल की तरफ से P2 NVMe M.2 500GB की यहाँ पे आप जो कि SSD का यूज़ कर सकते हैं गाइस। अंगज ये वाली SSD आपको जो कि 500GB की देखने को मिलती है। अंगज इस वाले SSD में आपको जो कि 2400 MBPS की रीड स्पीड, अंगज यहाँ पे आपको जो कि 560 MBPS की राइट स्पीड इस वाले जो कि SSD में आपको जो कि देखने को मिल जाती है। अंगज ये वाली SSD आप जो कि अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंगज आई होप कि यार यहाँ पे 500GB की SSD आपके लिए इनफ रहेगी, नहीं तो और आप जो कि फ्यूचर में 1TB का हार्ड डिस्क अपग्रेड कर लेना। अगर आप जो कि अभी के टाइम में हार्ड डिस्क को भी जो कि यहाँ पे खरीदना चाहते तो यार उसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाकी तो ये वाली SSD आपको जो कि 4200 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी गाइस। इसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जो कि उसकी SSD को परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में, तो पावर सप्लाई में आप जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला है MWE 450W का यहाँ पे आप जो कि पावर सप्लाई का जो कि यूज कर सकते हैं। नौ गाइस वाला पावर सप्लाई आपको जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाता है। अंगज यहाँ पे आप उसके ब्लैक फ्लैट केबल इस वाले पावर सप्लाई में देखने को मिलते हैं गाइस। अंगज साथ ही में यहाँ पे आप उसके 5 ईयर्स की वारंटी इस वाले जो कि पावर सप्लाई के साथ देखने को मिल जाती है। 120mm का एक आप उसके साइलेंट फैन इस वाले पावर सप्लाई में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप उसके पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है गाइस, हमारे इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए मोर देन इनफ है। प्राइस के बारे में बात करूँ गाइस, आपके लिए जो कि पावर सप्लाई 3399 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी।
इसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि इस वाले पॉस लेको परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो यार कैबिनेट में आप जो कि है एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाली आइस 130 AG जो कि है मिड टावर गेमिंग कैबिनेट का यहाँ पे आप जो कि यूज कर सकते हैं। नाउ इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि फ्रंट में एक RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है, मिनिमल सा यहाँ पे जो कि लुक देखने को मिल जाता है, टेम्पर ग्लास, POC शॉट वगैरह सब कुछ इस वाले जो कि आपको कैबिनेट में अवेलेबल देखने को मिल जाता है। अगर साथ ही में एक 120mm का नॉन RGB रियर फैन भी आपको जो कि इस वाले कैबिनेट में प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है 120mm वाला। अगर आप चाहते तो यार यहाँ पे आप जो कि एक्स्ट्रा फैंस एंड रेडिएटर्स इस वाले कैबिनेट के अंदर टॉप में, फ्रंट में, अगर बॉटम में आप जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाली कैबिनेट ATX, माइक्रो ATX, ITX सारे मदरबोर्ड जो कि यहाँ पे सपोर्ट करती है। अगर प्राइस के बारे में बात करूँ गाइस, ये वाली कैबिनेट आपको जो कि 2980 rupees में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा PC बिल्ड गाइस। एंगर्स अगर आप इस वाले PC को बिल्ड करते हो तो यार आपका जो कि PC टोटल 43,500 rupees जो कि कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा। अगर सारे कंपोनेंट्स की लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से परचेज करने से चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा गाइस। अगर हो सके तो यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप करता हूँ कि यार आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं था चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।